सर नमस्कार। नमस्कार भैया जी, आपने सर ये बोतल में क्या बनाया? ये आप बताओ ये क्या है। ये तो कुछ ऐसा लग रहा है ना, हनुमान जी की सी पूंछ लटक रही है। ऐसा नहीं है, ये हमने सवाल पढ़े थे बच्चे, आप लोग भी देखते हो ना कि वो पढ़ते थे ना कि शार्प नेल इजीली वॉल में पियर्स हो जाती है और ब्लंट नेल नहीं हो पाती। तो वो शार्प नेल का मतलब जैसे ये देखिए, ये शार्प है और ये आपकी जो नेल है इसको ब्लंट हो गई है। देखिए ध्यान से देखिए, ब्लंट है ये, ठीक है। इधर इसका हेड होता है, इधर इसका हेड है, ये हेड तो ऐसे ही रखा जाता है कि प्रेशर के लिए कम होगा, यहाँ ज़्यादा हो जाएगा, ये चुभ जाएगी, लेकिन ये ब्लंट है। तो अब देखते हैं कि ये आराम से चली जाती है या आराम से ये जाती है, देखते हैं। तो ब्लंट होने का मतलब एरिया बढ़ना। तो इसको देखने के लिए मैंने ये एक इंस्ट्रूमेंट बनाया है, इसको आप ध्यान से देखिए, वही बोतल है उसका आधा हिस्सा किया, 2-in-1। एक बोतल से हमने ये देखिए, एक सिंगल थी, एक एपरेटस वो बना दिया, एक एपरेटस ये बना दिया। ये देखिए ये एक ही थी बोतल, ये बोतल एक ही थी और इसको हमने दो बना दिया, ठीक है, काट दिया था आधा। तो उसमें फिर यही और यहाँ पर हमने क्या किया, हल्का सा ये कट मारा जहाँ से हम पेपर को पार करेंगे और इसका ढक्कन पे छेद कर दिया, वो बिल्कुल कील की तरह के हिसाब से, ताकि कील इसमें आराम से आ जा सके। इसको बंद कर दीजिए और इसको टेबल पर रख लीजिए। इसमें देखिए कील ये ऐसे जाएगी, इसमें आराम से जो है चली जाएगी ये। अभी तो उसमें होल हो रखा है ना, उसको होल नहीं, देखिए हो गया ना, उसको अभी मैं करूँगा ये वेस्ट करके। इसको देखते हैं अभी, ये प्रैक्टिस करते हैं अभी।